सभी लोग हाँ भाई क्या बात है आज मुझे काफी लोग हंसते हुए नजर आ रहे हैं है? ऐसे हंसते हुए भेजे जा रहे हैं आज तो तरह से खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है है चलिए बहुत अच्छी बात है। इसी हंसते मुस्कुराते रहिए सुबह की हमारी पहली क्लास होती है हंसते मुस्कुराते हुए पहली क्लास की शुरुआत करनी ही चाहिए है ना मैं बिल्कुल बहुत अच्छी हूँ प्रेम थैंक यू सो मच तो चलिए फिर हमेशा की तरह कुछ खूबसूरत से शब्दों के साथ करते हैं आज के दिन की शुरुआत सक्सेस इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन इसका क्या मतलब हुआ देखो जब आप किसी खूबसूरत सी जगह पे घूमने के लिए जाते हैं है ना तो आप सफर का भी आनंद लेते हुए जाते हैं रास्ते में मस्ती करते हुए मजे करते हुए जाते हैं अपनी जर्नी को भी खूब इंजॉय करते हैं। ऐसे ही आपकी जो सक्सेस है वो एक बहुत ही खूबसूरत सी मंजिल है आपका जो ये सफर है उस मंजिल तक पहुंचने के लिए इसको एंजॉय करते हुए हंसते खेलते हुए काटिए ऐसा नहीं है कि आप बस ये समझ रहे हैं कि नहीं पढ़ना पड़ेगा ये काम करना पड़ेगा ऐसी वाली सेंस आएगी तो इट मीन्स ये है कि आप उस चीज को एंजॉय नहीं कर रहे हैं तो यू you नो know, आपको कहीं ना कहीं उस चीज में मायूसी भी मिल सकती है तो हर एक चीज को हंसते हुए करिए तो डेफिनेटली जो आपकी मंजिल है खूबसूरत वो आपको जरूर मिलेगी ठीक है हमेशा की तरह ये मोटिवेशन कोट आज दिन भर के लिए आपको मोटिवेट रखेगी तो चलते हैं फिर हाँ सुमित बस समझ गए ना तुम ठीक है तो चलते हैं फिर

तो इन्होंने अभी क्या लॉन्च किया है न्यू एजुकेशन फॉर न्यू इंडिया के नाम से एक कैंपेन लॉन्च किया है, है कि लॉन्च किया गया ओडिशा के सीएम कौन है नवीन पटनायक है ठीक है नवीन पटनायक यहाँ पे सीएम हो जाएंगे और हमारी प्रेसिडेंट जो है आप सभी जानते हैं द्रौपदी मुर्मू जो कि जो कि फर्स्ट क्या है ट्राइबल फीमेल प्रेसिडेंट है फर्स्ट ट्राइबल ये फीमेल प्रेसिडेंट है कौन से ट्राइब से है ये संथाल ट्राइब से बिलोंग करती हैं इन्होंने क्या किया है एक कैंपेन को लॉन्च किया है जिसका नाम है न्यू एजुकेशन फॉर न्यू इंडिया तो इसमें क्या होने वाला है चले जानते हैं देखो आप सभी जानते हैं कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है सबसे पहले 1968 में आई थी और उसके बाद 1986 में ये डिफरेंस है ये ध्यान रखिएगा फिर थर्ड एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आती है कस्तूरी रंगन समिति के सिफारिश पे इसमें किस चीज पे फोकस किया गया था जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी इसमें बोला गया था रीजनल लैंग्वेज पे फोकस करेंगे किस पे रीजनल लैंग्वेज पे फोकस किया जाएगा ये यहाँ पर स्पेशली बोला गया था ठीक है तो रीजनल लैंग्वेज जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में दिया गया है आर्टिकल की बात करेंगे आर्टिकल 350 ए हो जाएगा ठीक है हिंदी की बात करेंगे हिंदी ये हो जाएगा आर्टिकल थ्री फोर्ट फिफ्टी वन हो गया आपका ओके सारी जो भाषाएं हैं आर्टिकल थ्री फोर्टी थ्री से लेकर के और थ्री फिफ्टी वन तक आर्टिकल दिए हुए हैं ठीक है थीके? अभी पहला ऐसा कौन सा स्टेट बना था जिसने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया कर्नाटका ये कैंसिल कर चुका है केरला हो गया और तमिलनाडु ने तो अपने यहाँ पे लागू ही नहीं की थी ये वो राज्य है जिन्होंने अपने यहाँ पे क्या कर दिया कैंसिल कर दिया ठीक है अब क्या हुआ है अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है कहाँ से लॉन्च किया गया है ओडिशा के अंदर आपको एक डिस्ट्रिक्ट मिलता है जिसका नाम है सांभलपुर डिस्ट्रिक्ट यहाँ से शुरू किया गया है न्यू एजुकेशन कैंपेन क्या होगा इसके अंदर इसमें बोला गया है कि अब हम क्या करेंगे जो एजुकेशन है इसके अंदर पता है क्या करेंगे बच्चों को मोरल एजुकेशन दी जाएगी समझ रहे हो बच्चों को क्या दी जाएगी मोरल एजुकेशन दी जाएगी मोरल एजुकेशन का मतलब ये है अच्छी चीजें सिखाई जाएंगी पढ़ाई के अलावा जैसे कि जैसे कि आपको अच्छे काम करने चाहिए है ना दूसरों की मदद करनी चाहिए पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए सुबह सुबह उनके पैर छूने चाहिए है ना बड़े भाई बहन जो हैं उनकी बात माननी चाहिए उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए ये होती है मोरल एजुकेशन अब दी जाएगी मोरल एजुकेशन ओडिशा के संबलपुर से द्रौपदी मुर्मू ने इस कैंपेन को लॉन्च किया है कैसा लगा बढ़िया है ना क्योंकि देखा होगा ना प्रेसिडेंट ने आजकल के बच्चे बिगड़ के कहां पहुंच गए हैं है ना वो देखा होगा इसीलिए क्या है मुरैल एजुकेशन को शुरू बहुत पहले कर देना चाहिए था बहुत ही पहले कर देना चाहिए था चलिए अच्छा एक और कैंपेन आता है वॉटर कैंपेन फॉर किड आपसे पूछा जाएगा कौन से स्टेट में से लॉन्च लॉन्च किया किया गया मिगाले किया गया मेघालय के अंदर इसे था ठीक है स्किल ऑन व्हील की बात करते हैं क्या है स्किल ऑन व्हील एजुकेशन के फील्ड में ही से लॉन्च किया था एजुकेशन मिनिस्ट्री किसके पास में है धर्मेंद्र प्रधान जी ने इसे लॉन्च किया था धर्मेंद्र प्रधान जी ने एग्रीकल्चर साइंस कांग्रेस की बात करेंगे ये कहाँ पर हुआ था इस बार वाला कोची केरला के अंदर इसका आयोजन किया गया ब्रिक्स समिट कौन कर रहा है इसको होस्ट इस बार साउथ अफ्रीका होस्ट कर रहा है गांधी वाटिका की बात करेंगे गांधी वाटिका जो है ये कहां पर मिलेगा दिल्ली के अंदर बाय प्रेसिडेंट इसको बनाया गया था ठीक है हम्म कल इंडिया जीत गई हाँ टी ट्वेंटी चलो काफी खुशी मिली ना कल बहुत खुशी हुई काश ये ये वर्ल्ड कप में सुनने को मिलता तो हमें और मजा आता है ना यही सोचा होगा भूल थोड़ी पाएंगे इस दुख को इतनी जल्दी चार साल तक याद रहेगा अभी चलो साथ ही सक्सेसफुल आउटरीच टू हेल्प कैंडिडेट्स अनाउंस अभ्यर्थियों की मदद के लिए साथी के सफल आउटरीच की घोषणा की गई है साथी क्या है हाथी मेरे साथी <coughs> क्या है साथी साथी का मतलब है साथी जो आपका साथ दे ठीक है तो विच मिनिस्ट्री हैज अनाउंस्ड द सक्सेसफुल आउटरीच ऑफ साथी टू हेल्प द कैंडिडेट्स ऑफ कंपटिटिव एग्जामिनेशन जिन बच्चों को एग्जामिनेशन में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मैम हमारे पास में पैसा नहीं है है ना पैसा नहीं है हम कैसे पढ़ाई करें हमें यूपीएससी देना है हमें तो आ, स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम की तैयारी करनी है हमको इंजीनियर बनना है हमको ये बनना है वो बनना है लेकिन हमारे पास में पैसा नहीं है ना हमारे पास में कॉन्टेंट है जहाँ से हम पढ़ाई कर सके ठीक है ना हमारे पास में कोई मोटिवेशन है कि कहाँ से कोई तो मोटिवेशन दे हमें कि आप ये चीज़ें कर सकते हो ठीक है ना हमारे पास में क्या है कोई ऐसा वीडियो कंटेंट है जिसके माध्यम से हम अपना सिलेबस कर सके अच्छा तो अब ये सारी चीजें अगर मैं आपसे कि फ्री में प्रोवाइड की जाएंगी, तो कैसा लगेगा आपको ए? कैसा लगेगा आपको और वो भी कौन प्रोवाइड करेगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भाई मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है इसने क्या कहा है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने साथी के नाम से क्या किया है साथी के नाम से लॉन्च किया है एक आप कह सकते हैं एक पोर्टल लॉन्च किया है ठीक है साथी आप देखो यहाँ पे साथी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी साथी की फुल फॉर्म है यह पूछा जा सकता है इसको ध्यान रखिएगा ठीक है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम ये हो जाएगी साथी के फुल फॉर्म ठीक है तो इसमें क्या क्या चीजें जो है वो आपको प्रोवाइड की जाएंगी वो मैंने आपको बताया इसमें आपको मिलेगा पैसे की जरूरत नहीं है ये फ्री मिलेगा आपको कंटेंट मिलेगा मोटिवेशन मिलेगा वीडियो कंटेंट मिलेगा अच्छा तो ये चीजें कौन प्रोवाइड कराएगा कोई तो होगा जो प्रोवाइड कराएगा तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो आईआईटी के प्रोफेसर होंगे भाई साहब आईआईटी के प्रोफेसर है ठीक है आई आई एस सी के प्रोफेसर हो गए इनका वीडियो कंटेंट जो है वो आपको यहाँ पे मिलेगा इसके अलावा स्टूडेंट्स की जो सक्सेस स्टोरी स्टोरी होती है सक्सेस वो भी आप लोगों को दिखाई जाएगी तो ये सारी चीजें होंगी इसके अंदर ठीक है अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि मैम ये जो पूरा कंटेंट दिया जा रहा है हमें पढ़ने के लिए ये किस भाषा में होगा तो ये हिंदी में दिया जाएगा साथ ही साथ इंग्लिश में भी रहेगा और आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं एक आपको रीजनल लैंग्वेज में भी मिलेगा इससे बढ़िया बात और क्या है बताओ हिंदी में दिया जा रहा है इंग्लिश में दिया जा रहा है और रीजनल लैंग्वेज में भी मिलेगा इतनी लैंग्वेज के अंदर आपको ये पूरा स्टडी मटेरियल जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा तो इसके अंदर सारा स्टडी मटेरियल जैसे कि जैसे कि हम आपको पे प्रोवाइड कराते हैं तो वो पे भी आपको यहाँ पे मिलेंगे ठीक है खाने का पैसा कौन देगा ये देखो एक नंबर के आलसी है मतलब सरकार इतना दे रही है पढ़ने के लिए तो उनको खाने और रहने के टेंशन भैया वो कहते हैं ना इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती वो बिल्कुल सच है है तो वाली कितना भी करो कुछ ना कुछ कमी ही रह जाएगी वही गाना है ना इसी तरह का कौन सा गाना है आ, एक गाना है कितना भी कर लो प्यार तुमको तो कम लगेगा है ना तो तुम्हें कितनी फैसिलिटीज दे दो तुम लोगों को कम ही लगेंगे चलो एक आता है संचार साथी पोर्टल आपको बता रहे ये किसने लॉन्च किया था क्या है संचार साथी पोर्टल आया था इसको किसने लॉन्च किया था अश्विनी वैष्णव जी ने इसे लॉन्च किया था अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया था नेक्स्ट है उद्गम पोर्टल जो है उद्गम पोर्टल की बात करेंगे उद्गम पोर्टल किसने लॉन्च किया था लॉन्च किया था हमारे सेंट्रल बैंक आरबीआई ने सुस्वागतम ये सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया था और ई श्रम पोर्टल की बात करते हैं ई श्रम पोर्टल आएगा आपका जो है इंडियन गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया था हाँ कुछ धोखा नहीं है भैया मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया है इसको धोखा कहाँ से हो गया है मतलब कुछ भी है कुछ भी हम न्यूज पढ़ा रहे हैं तुमको यहाँ पे आर्टिकल आया है तो क्या ऐसे ही थोड़ी ना आया है अभी थोड़ी ना पढ़ा रहे हैं चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी लॉन्चेस एआई पावर्ड चैटबोर्ड फॉर सिटीजन सर्विसेज <coughs> चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी ने क्या किया है सिटीजंस की सर्विसेज देने के लिए उनको एक एआई पावर्ड चैटबोर्ड लॉन्च किया है ये भी जबरदस्त है देखो इसके अंदर क्या होगा <coughs> अच्छा इसका नाम सुन के कोई हंसेगा नहीं पहली चीज तो ये ठीक है अभी क्या हुआ है चंडीगढ़ के अंदर चंडीगढ़ के अंदर एक चैटबोर्ट लॉन्च किया गया है तो एक ऐसे टक से करके एक चैट निकल के है तो आपसे पूछा जाता है कि आप ये ऑर्डर क्यों कैंसिल करना चाहते हैं आपको इसमें क्या दिक्कत आ रही है इसमें आपको क्या अच्छा लगा क्या अच्छा नहीं लगा उसमें क्वेश्चन पूछते हैं वो क्या होता है वो चैट होता है तो एक चैट लॉन्च किया गया है जिसमें आप अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे ये किसने लॉन्च किया है चंडीगढ़ ने आ, नाम क्या है इसका ये <laughs> तो नहीं है इसका नाम कही। इसका नाम है बीरबल ठीक है अब बीरबल इसका नाम रखा गया है और ये क्या काम करेगा चंडीगढ़ के अंदर जितने भी सिटीजन हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनकी प्रॉब्लम्स को सुना जाएगा और यहाँ पे सॉल्व करने का काम किया जाएगा तो इसके लिए क्या है इसको लॉन्च किया गया है। okay? <coughs> हाँ जी कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को ठीक <coughs> है बस और कुछ नहीं है इसमें ए आई की हेल्प से जो है किसकी हेल्प से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से इसको लॉन्च किया गया है मतलब इसकी समस्याओं को सुलझाया जाएगा ठीक है चलो चंडीगढ़ आप सभी जानते हैं कि इसकी कैपिटल है पंजाब की पंजाब को एक नवंबर उन्नीस को बनाया गया हरियाणा से अलग करके दोनों दोनों का का क्या है दोनों का है कॉमन हाई कोर्ट कौन सा चंडीगढ़ हाई कोर्ट आप सभी जानते हैं अभी चंडीगढ़ के अंदर जो चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसका नाम चेंज किया गया और किसके नाम पे रखा गया था शहीद भगत सिंह के नाम पे रखा गया चंडीगढ़ के अंदर ही मिलेगा देश का पहला डॉग पार्क ठीक है चंडीगढ़ के अंदर ही आपको मिलता है इंडिया का जो हाईएस्ट है सबसे ऊंचा स्मोक टावर क्या है सबसे ऊंचा स्मोक टावर जो है वो भी आपको यहीं पर देखने को मिलता है ठीक है अच्छा तो ये तो बात हो गई यहाँ पे चंडीगढ़ के बारे में अच्छा एक चीज बताओ मुझे चंडीगढ़ जो है इसे आप सभी जानते हैं इसे कहा जाता है ड्रीम सिटी ऑफ जवाहरलाल नेहरू ये आप सभी जान आर्किटेक्चर बता दो मुझे कौन है <स्थाथ> इनका नाम याद रखेगा ठीक है अगर पूछ लिया जाए चंडीगढ़ के आर्किटेक्चर जो है इनका नाम क्या है हालांकि एक और नाम पूछ लिया जाता है अल्बर्ट महसर करके एक और नाम है अल्बर्ट अल्बर्ट मेयर ठीक है अल्बर्ट मेयर या मेसर करके एक और नाम है तो अल्बर्ट से याद रख लो काफी है ये भी जो है ये दो नाम याद रखने हैं आपको जो कि क्या है चंडीगढ़ के आर्किटेक्चर है इज इट ओके नेक्स्ट हाँ भाई आप देखो चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नया नाम मैंने अभी आपको बताया क्या हो चुका है भगत सिंह के नाम पे रखा जा चुका है ठीक है हंड्रेड स्मार्ट सिटी ये कौन सी बन जाएगी शिलोंग विच इज कैपिटल ऑफ मेघालय जहाँ पे असम राइफल्स का भी हेडक्वार्टर है ताऊ से पूछो ये देखो आ, ताऊ से पूछो भैया कुछ भी गाओ सबसे इंटरेस्टिंग नाम जो है ना वो हरियाणा वाले ही रखते हैं तो इसे लॉन्च किया गया था हरियाणा के अंदर ओपन ए किसका हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट का है ठीक है ओपन ए अभी यहाँ पे किसका अपॉइंटमेंट किया गया मीरा मूर्ति का मीरा मूर्ति जो है वो अपॉइंट की गई यहाँ पे मिका ये भी क्या हो जाएगा ये है ए आई रोबोट पहली बार किसी कंपनी के अंदर सीईओ रोबोट अपॉइंट किया गया जिसका नाम है मिका ठीक है चलिए आगे चले नेक्स्ट वाली न्यूज पे हाँ जी अग्नि इनिशिएटिव लॉन्च टू तो प्रोमोट ऑफ आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर्स अभी आयुर्वेद चिकित्सकों के नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए अग्नि के नाम से एक इनिशिएटिव है जो लॉन्च किया गया है ठीक है ये आप देख सकते हैं सारी क्या है ये आयुर्वेदिक दवाइयां है आयुर्वेदिक दवाइयां हैं इनको लेकर एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका नाम है अग्नि इनिशिएटिव फॉर आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर्स तो पूछा किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसे लॉन्च किया है आंसर किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है सेंट्रल आयुर्वेदा रिसर्च काउंसिल किसके साथ में मिलकर के मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ में मिलकर इसे लॉन्च किया है तो चलिए जानते हैं इसके अंदर कि क्या होने वाला है इसमें आखिर है क्या देखो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की बात करेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष आप सभी जानते हैं कि ये जो मिनिस्ट्री है ये किसके पास में है सर्बानंदा सोनोवाल जी के पास में ये मिनिस्ट्री है ठीक है तो ये काम क्या करता है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष आयुष के अंदर आपको पांच चीजें मिलेगी कौन कौन सी पांच चीजें हैं तो देखो इसमें है आयुर्वेदा आयुर्वेदा ठीक है एक इसमें है योगा हो गया और यू से हो जाएगा यूनानी यूनानी हो गया सिद्धा सिद्धा ठीक है और होम्योपैथी और होम्योपैथी ये पांच चीजें आती है है आयुष का काम है क्या करना आयुर्वेदिक मेडिसिन को जो हमारी ट्रेडिशनल है उनको बढ़ावा देना है ना तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इसके लिए काम करती है अभी हमने रिसेंटली पढ़ा था कि डब्ल्यू एच ओ के साथ में हमने एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसमें इन ट्रेडिशनल मेडिसिन को बढ़ावा दिया जाएगा और अब क्या करने जा रहे हैं अब ये बोल रहे सेंट्रल आयुर्वेदा रिसर्च काउंसिल के साथ में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष मिल करके एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है प्रोजेक्ट कोलाबोरेशन एक एग्रीमेंट जो है वो तो किया था डब्ल्यू के साथ में इसके बारे में आगे पढ़ेंगे अभी इसके साथ में क्या लॉन्च किया है अग्नि लॉन्च किया है ठीक है अब आप बताओ अग्नि का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे अग्नि लॉन्च किया देखो अग्नि का मतलब है यहाँ पे ये यह फुल फॉर्म पूछी जाएगी आपसे नोट कर लेना इसको ठीक है अग्नि से हो जाएगा आयुर्वेदा और जी से हो जाएगा ज्ञान नाइपुरा नाइपुण्य ठीक है और इनिशिएटिव और इनिशिएटिव ये इसकी फुल फॉर्म है ये लॉन्च किया गया है प्रोग्राम जो है ठीक है इसको लॉन्च किया गया है इसमें क्या करेंगे वही आयुष को बढ़ावा देंगे ये जो पांच चीजें हैं आयुष में इसको बढ़ावा दिया जाएगा अगली की फुल फॉर्म आएगी इससे पूछा जाएगा अगर आपसे सवाल ये ध्यान रखिएगा ठीक है चलो अभी देखो प्रोजेक्ट कोलाबोरेशन जो है ये डब्ल्यू हमारे देश में घूमने आते हैं उनको अगर ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ जाती है तो क्या है यहाँ पे उनको क्या दिया जा रहा है आयुष वीजा दिया जा रहा है जिसके माध्यम से वो आयुर्वेदिक यानी ट्रेडिशनल मेडिसिन जो है उनका लाभ उठा सकते हैं डब्ल्यू एच ओ के हेड कौन हो जाएंगे एजेनन। ये हेड हो जाएंगे। वर्ल्ड हेल्थ डे अप्रैल को मनाया जाता है 1948 में WHO को बनाया गया था ठीक है हां जी रवि आप लेट है तो लेट नहीं है, बहुत ज्यादा लेट है ठीक है बहुत ज्यादा लेट है चार क्वेश्चन तो हो चुके फायदे क्या है क्लास में आने का टाइम से भाई टाइम से नेक्स्ट देखो इंडियन आर्मी लीव्स फॉर ऑस्ट्रेलिया फॉर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो है इसका आयोजन किया जा रहा है भारत और ऑस्ट्रेलिया आजकल कुछ ज्यादा नहीं सुनने को मिल रहा है मतलब जिस दिन से हम ये चाह रहे कि अभी ऑस्ट्रेलिया का नाम कुछ दिन सुनने को ना मिले उस दिन से हर दिन हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ रहे हैं है, है कि नहीं <laughs> तो अभी क्या हुआ है एक डिफेंस एक्सरसाइज जो है इसका आयोजन किया गया बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया आपसे पूछा जा रहा है इसका नाम क्या है ऑस्ट्रा हिंड नाम है इसका एक्सरसाइज का नाम क्या है ऑस्ट्रा हिंड पल्लव बेटा यही करंट अफेयर आएगा आपके एग्जाम में डोंट वरी यही करंट अफेयर पूछा जाए काहे परेशान हो रहे हो एग्जाम वाइज बदल थोड़ी ना जाएगा चलो एक्सरसाइज हो रही है ऑस्ट्रा हिंड ठीक है किसके किसके बीच में इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में तो ये जो ऑस्ट्रा हिंड एक्सरसाइज है ये इसका कौन सा एडिशन है ये सेकंड एडिशन है इस बार का ठीक है कौन सा एडिशन है सेकंड एडिशन है जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में किया जा रहा है कहां पर हो रहा है इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में लेकिन इसका जो फर्स्ट एडिशन है जो फर्स्ट एडिशन ये राजस्थान के अंदर आयोजित किया गया था और ये कब हुआ था 2022 में हुआ था ठीक है अभी जो है 23 नवंबर से लेकर 6 दिसंबर तक ये एडिशन का आयोजन किया जा रहा है पर्थ में किया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया तो अभी हमने पढ़ा था टू प्लस टू डायलॉग क्या हुआ था टू प्लस टू डायलॉग एक इसके सेक्टर में डिफेंस के सेक्टर में और एक्सटर्नल अफेयर्स के सेक्टर में इसमें क्या क्या चीजें हमने डिस्कस करी थी 2 +2 थी प्लस जो जो वार्ता हुई डायलॉग था इसमें हमने देखा एक तो एयर फ्यूल जो है उसमें ऑस्ट्रेलिया हमें हेल्प करेगा हाइड्रोलॉजी में हमें हेल्प करेगा ठीक है और तीसरा मेरी में करेगा और क्लाइमेट चेंज में इन सारी चीजों पर हमने दो दिन पहले ही इस न्यूज को कवर किया था ठीक है ओके चलो तो ओस्ट्रा हिंड के अलावा और कौन सी एक्सरसाइज करते हैं ऑसिंडेक्स एक्सरसाइज ऑसिंडेक्स एक्सरसाइज ये भी ऑस्ट्रेलिया के साथ में कंडक्ट की जाती है एक हमने करी थी अभी तालिस्मान साबरे एक्सरसाइज तालिस्मान साबरे ये जो एक्सरसाइज है इसको ऑस्ट्रेलिया ने होस्ट किया था लेकिन इसको लीड किया था यूएसए ने और इसमें इंडिया को इनवाइट किया गया था इस एक्सरसाइज के अंदर ठीक है एक पिच ब्लैक एयरफोर्स एक्सरसाइज ये भी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में हो चुकी है चलो सागर कवच आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु में हुई थी इंडिया की डोमेस्टिक एक्सरसाइज है ये इंडिया की डोमेस्टिक एक्सरसाइज है चक्रवात एक्सरसाइज ये साइक्लोन वन मत समझ लेना साइक्लोन एक्सरसाइज जो है वो इजिप्ट के साथ में हुई थी ये है चक्रवात एक्सरसाइज ठीक है जो इंडिया की क्या है डोमेस्टिक एक्सरसाइज है ये भी और इसका जो आयोजन है वो हुआ था गोवा वाली बीच पे बोंगो सागर बांग्लादेश एंड इंडिया के बीच में इसका आयोजन किया गया मालाबार ये आप सभी जानते हैं क्वाड के बीच में इस बार इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में हुआ था कहा हुआ था इस बार इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया था ठीक है नेक्स्ट ये देखो कोई है हमारे यहाँ कर्नाटका से जिसने ये फेस्टिवल मनाया अभी अभी अपना एक्सपीरियंस कोई शेयर करना चाहे कम्बाला फेस्टिवल क्या है कम्बाला फेस्टिवल है जिसे हाल ही में सेलिब्रेट किया गया है तो ये जो फेस्टिवल होता है इसमें बफेलोज जो है बफेलोज को लेकर के इस फेस्टिवल को मनाया जाता है ठीक है बफेलोज का फेस्टिवल होता है भाई ये तो क्या होता है इस फेस्टिवल के अंदर देखिए कौन सा शहर नंबा कम्बाला जो फेस्टिवल है इसको मना है तो अभी बेंगलुरु के अंदर मनाया गया ये कर्नाटका का फेस्टिवल है ठीक है कौन सा स्टेट में मनाया जाता है कर्नाटका में एक बफेलो फेस्टिवल है इसका जो आयोजन है 26 एंड 25 एंड 26 नवंबर इसका आयोजन किया गया नंबा इसका नाम है फेस्टिवल का नाम क्या हो जाएगा नम्मा कंबाला है तो बेसिकली कौन इसको सेलिब्रेट करता है ठीक है कौन इसको तो तुलु कोटा एक जगह है तुलु कोटा एक जगह है ये कहा मिलेगी बेंगलुरु के अंदर यहीं पर एक कम्युनिटी रहती है तुलुवा कम्युनिटी कौन सी तुलुवा कम्युनिटी इसी के द्वारा ये जो फेस्टिवल है ये मनाया जाता है क्या होता है इस फेस्टिवल के अंदर जो बफेलो uh, होती है ना इसकी सींग पे ऐसे देखो सिक्कों की पोटली बांध दी जाती है इसको खोलना होता है इसको खोलना होता है तो जो भी बफेलो जीतेगी ना जो बफेलो जीतेगी उसे भी प्राइज मिलेगा और उसके मालिक को भी मिलेगा बफेलो को क्या प्राइज मिलेगा बफेलो को दिया जाएगा एक यहाँ पे कोकोनट कोकोनट दिया जाएगा और एक बनाना दिया जाएगा और जीतने वाला जो मालिक होगा उसको क्या दिया जाएगा उसको गोल्ड या फिर सिल्वर कॉइन मिलेगा हाँ <coughs> जी अच्छा ठीक है ठीक है तो जो भी है कर्नाटका से बहुत अच्छा भाई तुम मना के आए और बहुत बढ़िया आगे देखो पोंगल की बात करेंगे तो जल्दी कटू इसी का पार्ट है और ये होता है कहाँ पे तमिलनाडु में ओनम मनाया जाता है केरला के अंदर ठीक है कौन सी लेक पे मनाया जाता है लेक पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है को यह भी केरला में होता है जो सबरीमाला टेम्पल है कौन सा सबरीमाला टेम्पल में इसका आयोजन किया जाता है फेस्टिवल का आयोजन पे किया गया मेघालय में इसका आयोजन किया गया ठीक है नेक्स्ट अफ्रीका बैग न्यू टैक्स रिजाइम सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेड इन वोट विद इंडिया सपोर्ट अफ्रीका समर्थित नई कर व्यवस्था भारत के समर्थन से मतदान में सफलता पूर्वक लागू हुई है है ये लागू हुई है वाला एक बार छोड़ दो क्योंकि अभी लागू तो नहीं हुई है ये ओके इम्प्लीमेंटेड तो नहीं हुई है लेकिन हाँ वोटिंग में इनको काफी ज्यादा वोट मिला चलो इस कहानी को समझते कि क्या हुआ है <coughs> अफ्रीकी समूह द्वारा पेश किया गया प्रस्ताव टैक्स कन्वेंशन के पक्ष में कितने वोटों के साथ में इसको पारित किया गया है 125 वोटों के साथ में देखो क्या हुआ है अफ्रीकन <coughs> यूनियन क्या है अफ्रीकन यूनियन विच इज ग्रुप ऑफ फिफ्टी फाइव कंट्रीज पचपन देश है, इसका जो है ये इथियोपिया की अच्छा इसकी, इसकी अभी मीटिंग कहाँ पर हुई थी इसकी मीटिंग का आयोजन किया गया था कायरो के अंदर कहा कायरों इजिप्ट में अभी एक मीटिंग का आयोजन किया गया तो अभी क्या है यहाँ से एक प्रस्ताव निकल कर आया यहां से क्या हुआ है एक प्रस्ताव निकल कर आया है ठीक है आपसे पूछा जाएगा उस प्रस्ताव का नाम क्या है इंटरनेशनल टैक्स कॉरपोरेशन इन द यूनाइटेड नेशंस ये एक रिजोल्यूशन है जो कि रखा गया है यूनाइटेड नेशंस में देखो ये क्या कहना चाह रहे हैं इसका नाम याद रखिएगा ये कहना चाह रहे हैं कि भाई एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ओई ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन डेवलपमेंट इसके अंदर ना थर्टी एट मेंबर्स हैं ये क्या काम करती है दुनिया के अंदर जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उन कंपनीज को कितना टैक्स देना चाहिए उन सारी चीजों को ये रेगुलेट करती है है ठीक कौन सी कंपनी कितना टैक्स देगी और फिर वही कंपनी जो है उतना ही टैक्स देती है ओई इसको रेगुलेट करता है इसे कब बनाया जाता है नाइनटीन में इसको बनाया गया इतने इसके अंदर मेंबर में ठीक है ठीके? अब क्या हुआ अफ्रीकन यूनियन आया इसने कहा कि भैया एक बात बताओ जब हम सब भी टैक्स दे रहे हैं जब हम टैक्स दे रहे हैं तो ये राइट right हमारे पास भी होना चाहिए कि कि हम हम भी भी डिसाइड 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 कर सके कि हमारी कितना टैक्स दे सकती है। आप लोग ही क्यों करोगे हम भी करेंगे चीज अब इसके लिए क्या है अफ्रीकन यूनियन ने जो प्रस्ताव पारित जो प्रस्ताव यहाँ पे रखा कहा यूनाइटेड नेशंस के अंदर रखा अब इसके अंदर ये जो 125 कंट्रीज हैं जिन्होंने इसके फेवर में वोट किया इंक्लूडेड इंडिया इन सारे देशों का कहना भी यही है कि हम टैक्स भर रहे हैं हमारी टैक्स भर रही हैं तो हमारे पास में ये राइट्स होने चाहिए कि हम बताएं कि हमारी कौन सी कंपनी कितना टैक्स देगी ठीक है तो ये पारित तो हो चुका है अभी कहीं तो कहा जा रहा लागू हो गया बट इसके ऊपर अभी एक आर्टिकल और आना बचा है एक और आर्टिकल आएगा ठीक है चलो ईसीडी की बात करेंगे इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे मिलता है पेरिस के अंदर मिलेगा इसका हेडक्वार्टर ठीक है हाँ बिल्कुल आनंद वेरी गुड पेरिस में है इसका हेडक्वार्टर और अफ्रीकन यूनियन आप सभी जानते हैं कि अभी जो है ये क्या है ग्रुप ऑफ फिफ्टी फाइव कंट्रीज किसका पार्ट बना है जी ट्वेंटी का पार्ट बन चुका है और जी ट्वेंटी वन बन गया आप ये ओके चलो तो बस इतनी सी चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है ठीक है जीएसटी <coughs> हाँ जी जीएसटी की बात करेंगे विच इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ये आप सभी जानते हैं 101st, जो कि अमेंडमेंट एक्ट था ठीक है आर्टिकल कौन सा ऐड किया गया टू सेवेंटी नाइन ए जो है वो ऐड किया गया जीडीपी ये क्या होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अभी हमारी कंट्री के अभी एक आर्टिकल आया था जिसमें मैंने आपको बताया कि चार ट्रिलियन डॉलर जो है ये पार हो चुकी है इंडिया की क्या जीडीपी ग्रोथ रेट जीडीपी का मतलब क्या होता है जीडीपी का मतलब होता है डोमेस्टिक देखो डी का मतलब है है पे यानी कि इंडिया के अंदर ही जिन चीजों का production किया जाता है. Companies, चाहे वो बाहर की ही क्यों ना हो है ना चाहे वो ओप्पो हो वीवो हो कोई भी कंपनी हो अगर इंडिया में आके प्रोडक्ट्स बना रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे जीडीपी बोलेंगे जो भी प्रोडक्शन इंडिया के अंदर हो रहा है ये क्या होता है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट होता है ठीक है नेशनल प्रोडक्ट इसका मतलब ये है कि हमारे देश की कंपनियां जो विदेशों में जाकर के मैन्युफैक्चरिंग करती है, और उनसे हमें जो मिलता है उसे हम कहते हैं जीएनपी ठीक है चलो भाई एक और क्वेश्चन है आपका फेस्टिवल से रिलेटेड हॉर्नबिल फेस्टिवल विल बी सेलिब्रेटेड क्या है हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है ये और सेलिब्रेट किया गया है आपसे पूछा जा रहा है कि ये फेस्टिवल कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है हम्म इन स्टेट नागालैंड में ये फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है नागालैंड के अंदर इस फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है तो इसमें कुछ खास आपको याद नहीं रखना ये फेस्टिवल कई बार एग्जाम में पूछा गया और अभी से लेकर दस दिसंबर इसका आयोजन किया गया है इसमें नागालैंड का जो कल्चर है वो देखने को मिलेगा तरह तरह के नागा पकवान हो गए यहाँ पे जो कि फोक डांसेस हो गई इस फेस्टिवल के अंदर ये सारी चीजें जो हैं वो दिखाई जाएंगी टूरिज्म पे मेन फोकस रहता है इस फेस्टिवल के दौरान ठीक है चलो तो ये जो फेस्टिवल इसी को कहा जाता है त्योहारों का त्योहार नेक्स्ट क्वेश्चन परमानेंटली क्लोज इट्स एम्बेसी कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने अपनी एम्बेसी को इंडिया के अंदर से परमानेंटली क्लोज कर दिया है अच्छा कौन सी कंट्री है जिनकी हमको कहो जरूरत भी नहीं है बताइए कौन सी कंट्री है इनमें से जिनकी हमको जरूरत भी नहीं है और इन्होंने क्या किया है अपने यहाँ से जो अपनी एम्बेसी है उसको हटा दिया तो आप कहोगे मैडम वैसे तो दो ऑप्शन सही लग रहे हमको यहाँ पे है? चलो बताओ तुम लोग ही बताओ इसका आंसर हाँ कुछ लोग तो न्यूज पढ़ चुके हैं ये वाली अफगानिस्तान करेक्ट है क्या हो जाएगा आंसर आपका अफगानिस्तान इज योर करेक्ट आंसर इसने अपनी जो एम्बेसी है उसको परमानेंटली क्या कर दिया है क्लोज कर दिया है ठीक है अफगानिस्तान की बात करेंगे आप सभी जानते हैं कैपिटल क्या, क्या हो जाएगी काबुल यहाँ पे करेंसी कौन सी यूज होती है अफगान अफगानी ये जो है करेंसी यूज होती है ठीक है और अफगानिस्तान से क्या चीज याद रखनी तालिबान यहाँ पे तालिबान का कब्जा हो चुका है ये कब हुआ पंद्रह अगस्त दो हजार इक्कीस को पूरी तरह से, इस, इस से पहले जो यहाँ के प्रेसिडेंट थे इनका नाम क्या था अशरफ घनी अशरफ गनी जो कि 15 अगस्त को ही भाग गई थी है ना और उसी दिन से इनका जो टाइम पीरियड है वो भी क्या हो गया था खत्म हो गया था ठीक है तो अफगानिस्तान से यो एक और चीज याद रखिएगा, अभी रिसेंटली ये किसका मेंबर बना था सार्क का सार्क का ये जो है एट्थ मेंबर बना था ठीक है सार्क का ये एट्थ मेंबर बना था अभी रिसेंटली नहीं दो हजार सात रिसेंटली बोलने की आदत हो रखी है 2007 के अंदर ये मेंबर बना था ठीक है इतनी चीजें आपको यहाँ से याद रखनी आपने आप में से आप उठा लिया अपना बोरिया बिस्तरा जो है वो इंडिया से उठा लिया है परमानेंटली टाटा बाय बाय बोल दिया है चलो भैया बहुत अच्छी बात है है ना बहुत ही बढ़िया बात है आगे देखते हैं <coughs> नेक्स्ट क्वेश्चन द इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन अनाउंसटी थर्ड काउंसिल मीटिंग इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है कौन सा एडिशन है एडिशन आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी कंट्री इसको होस्ट कर रही है कौन सी कंट्री इसको होस्ट कर रही है आंसर इंडिया इंडिया जो है वो इसको क्या करने जा रहा है इसको होस्ट करने जा रहा है ठीक है चले देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या काम करती है शुगर को लेके ऑब्वियसली शुगर को लेके ये काम करती है ठीक है अच्छा इसका हेडक्वार्टर जो है ये कहाँ पर मिलेगा आपको लंदन के अंदर है इसका हेडक्वार्टर ठीक है सो so, कौन सा एडिशन होने जा रहा है सिक्सटी थर्ड एडिशन होने जा रहा है मीटिंग का जो इंडिया होस्ट करेगा देखो अब शुगर की जब हम बात करते हैं तो एक चीज याद रखिएगा, इंडिया जो है इंडिया ये सबसे बड़ा कंज्यूमर है शुगर का चीनी यानी कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा चीनी जो कंज्यूम की जाती है वो इंडिया के अंदर की जाती है क्या बात है कितनी होती है पूरे वर्ल्ड की 15 परसेंट होती है पूरे वर्ल्ड का 15 परसेंट इंडिया के अंदर ही कंज्यूम किया जाता है लेकिन अगर हम प्रोडक्शन की बात करें इंडिया में चीनी बनती कितनी है तो इस मामले में इंडिया जो जो है 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 वो सेकंड नंबर नंबर पे पे कंज्यूम करने के मामले में प्रोडक्शन है. है पूरे वर्ल्ड का वो कहाँ किया जाता है इंडिया के अंदर ही किया जाता है ठीक है अच्छा तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसे बनाया कब गया था इस ऑर्गेनाइजेशन को कब बनाया जाता है इसे बनाया गया 1968 के अंदर 1968 में इसको बनाया गया था और इसके अंदर टोटल मेंबर कंट्रीज पूछी जाए तो कितनी हो जाएंगी 87 ये इसके अंदर मेंबर्स ठीक है अनुषा अभी दिखाई दिया तुम्हारा नाम तो मुझे आई थी आज क्लास में ओके सो आई थिंक दिस वाज द लास्ट न्यूज़ आज हम्म hmm. और ये रहा आपका होमवर्क जिसका आंसर करना है आपको कमेंट सेक्शन के अंदर ठीक है होमवर्क सब लोग किया करो मैं कई बार बोलती हूँ होमवर्क जरूर किया करो ओके okay, अच्छा <coughs> अभी किसी को कुछ डाउट किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं और जितने भी न्यू स्टूडेंट्स आए थे आज क्लास के अंदर तो वो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा सो देट मेरी आगे आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके ठीक है अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी और इसके अलावा अगर आप मेरे साथ बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हैं जैसे कि हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिसी तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं एप्लीकेशन पे आके एप्लीकेशन पे आने के लिए आपको क्या करना है गूगल क्रॉम पे जाना है ठीक है तो जैसे आप गूगल क्रॉम ओपन करेंगे तो सबसे ऊपर गूगल क्रॉम पे डाल दीजिएगा अडर ट्वेंटी जो भी फर्स्ट वाली वेबसाइट होगी उस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से एक पेज ओपन होके आएगा अभी आंसर नहीं करना होमवर्क का अभी नहीं करना है कितनी बार बोले तुमको क्लास खत्म होने के बाद करना है ताकि मुझे भी तो कमेंट्स में दिखे कि इतने बच्चों ने किया है अभी तो कमेंट करोगे अभी तुम लोग कर रहे हो वो गायब हो जाएगा थोड़ी देर बाद में ऑल कोर्सेज पे जाना है और उसके बाद यहाँ से आपको एग्जाम सेलेक्ट करना है अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जैसे कि डिफेंस वाले जो हैं वो यहाँ से अपना एग्जाम सेलेक्ट करेंगे और फिर देखो यहाँ पर सारे एग्जाम्स जो है वो दिए हुए हैं जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करना चाहते अगर आप मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप डिफेंस पे जा सकते हैं ठीक है वाला यहाँ पे मिलेगा AEJ का सेक्शन सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी ब्रांच को सेलेक्ट करना है कि कौन से ब्रांच है जैसे कि इंजीनियरिंग सिविल सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल जिस भी ब्रांच से हो आप ठीक है सेलेक्ट करने के बाद में आपको देखना है यहाँ पर कौन से एग्जाम कौन सी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जैसे की आर आर बी बिहार जई जे एस एस गया जई हो गया बार्क हो गया, हो गया, दो हो गया पी पीट्री प्लस भी हो गया अगर आप काफी सारे मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आप भी जा सकते हैं महापैक की तरफ महापैक में आप सारे एग्जाम्स को एक्सेस कर सकेंगे और एक और चीज हर एक बैच के अंदर आपको टेक्निकल नॉन टेक्निकल सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट सिलेबस कवर करवाया जाएगा इस पर क्लिक कर दीजिएगा और क्लिक करने के बाद यहां पे नीचे लिखा हुआ है व्यू ऑफर्स पे जाना है सबसे पहले आपको और एंटर कोपन कोड इसमें डाल दीजिएगा वाई सेवन सेवन फोर क्या वाई सेवन सेवन फोर डालना है और कर देना है अप्लाई अप्लाई करने के बाद आप देखोगे जो अमाउंट है वो सिर्फ तीन हजार एक सौ छियानवे रुपए इसमें आपको कंप्लीट मिलेगा टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल दोनों चीजें मिल जाएंगी आपको यहां पर ठीक है ओके सो so, और ये कोड सभी के लिए एप्लीकेबल रहेगा आप चाहे जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं सभी के लिए एप्लीकेबल है ये वाला कोड वाई सेवन सेवन फोर अगर आप एप्लीकेशन से लेते हैं तो सेवेंटी एट परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा गूगल क्रॉम से लोगे तो सेवेंटी सेवन का मिलेगा ठीक है और कुछ किसी को कोई पूछना है हाँ रिसेंट अमेंडमेंट्स एंड बिल के ऊपर सेशन करवा दिया मैंने आनंद जी करवा दिया आप एक बार यूट्यूब पे ऊपर सर्च वाले ऑप्शन में जाके डालना रिसेंट अमेंडमेंट्स बाय पिंकी सरोहा मैम तो मेरा सेशन मिल जाएगा इसमें रिसेंट क्या मैंने फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 में हुआ था तब से लेकर एक अमेंडमेंट तक करवाया है वन तो, आप सभी जानते हैं अभी जो महिला बिल आया था है ना ओके थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच सेशन अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो अब आपसे मुलाकात करते हैं हम 11 बजे 11 बजे एआई का सेशन रहेगा ठीक है चलो ओके गाइस थैंक यू सो मच हैव अ गुड डे टेक केयर एंड बाय